लोग कैसा है? बढ़िया। तो फाइनली अजमेर पहुंच गए। ये सामने दरगाह का रास्ता, पर हम नीचे जाएंगे घर की तरफ, तो सामान डालते पहले। अब घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। सामान उतारते हैं, चलते हैं अंदर। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम लोग की मासी की एनिवर्सरी थी, तो वही विश करने का सरप्राइज लगा था हम लोगों ने। पहले से नवीन को मैंने केक के लिए बोल के रखा था कि जैसे ही हम लोग आएंगे सुबह केक रेडी कर दें, तो उसका डिपार्टमेंट उसका था, और बाकी विश कर लिया। अब कल क्या होता है कल दिखाते हैं। अभी से हम लोग अजमेर पहुँचे हैं, कुछ एक घंटा हुआ हमें। बाय द वे, मैं बॉम्बे से राजस्थान आ चुका था काफ़ी दिन पहले, और उसके बाद कुछ दिन काम करके फिर मैं अभी अजमेर आया हूँ घूमने के लिए, मतलब 2-3 डेज के लिए आया हूँ। इधर ला रहे आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू कौन बोलेगा? ऐसे बोला आपके लिए थैंक यू। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। मुझे मतलब मैं अजमेर में आया हूँ, और अभी आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो नहाने का जुगाड़ बता रहा हूँ। मैं तो अच्छे नहा चुका हूँ, अभी अंकित नहाएगा, तो यहाँ पे पानी कैसे गर्म किया जा रहा है वो दिखाता हूँ आपको। ये तो मेरी देसी जुगाड़ है, वहाँ से पानी भर के यहाँ डाला जा रहा है, ये पानी इसमें सर्कुलेट होके और बीच में यहाँ आग लगाई जाती है, तो जिससे क्या होता है हीट बन जाती है चारों तरफ, और इसके अंदर जो पानी स्टोर रहता है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जैसे डालते हैं पानी, तो यहाँ से निकलता है गर्म होके। तो मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी या किसी की ज़रूरत नहीं, बस एक लकड़ी उकड़ी डाल दो बीच में, जो जैसे वहाँ पर वो कागज़ पड़ा है वैसे लकड़ियाँ भी पड़ी है, और यहाँ से पानी डालते रहो और यहाँ से गर्म निकलेगा। एक बार एक गर्म हो जाता है तो काफ़ी देर तक, मतलब 2-3 घंटे तक तो पानी गर्म देता ही रहेगा। मस्त है जुगाड़, मतलब लाइट वाइट नहीं कुछ नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये हमारे दादी जी, और ये हम लोग की पार्किंग है मासी के घर की, मतलब वो घर यहाँ पार्किंग। ये बैकयार्ड एरिया भी बोल सकते हो, वैसे तो साइड का रास्ता है, मेन रोड वहाँ से है। और ये इनके बहुत पुराने घर है जहाँ पे पहले रहते थे, बट अब यहाँ पे किराए पे रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स।